जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट लगा है और जो एस्पिरेंट सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, और काफ़ी एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेज भी आए थे। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपकी एनर्जी फिर से ट्रैक पर आ जाए और आप फिर से उतनी एनर्जी के साथ पढ़ाई करने लग जाओ। इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म कर सकूं और फिर से आपके अंदर वो एनर्जी भर सकूं जिससे कि आप उतनी शिद्दत से अपनी जो पढ़ाई है वो कर सको। अब डिप्रेशन को भगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या है। देखिए, हमें कोई टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं है। डिप्रेशन बेसिकली होता है आपके निगेटिव थाट्स। आपके जो थाट्स है वो आपको इतना निगेटिविटी भर देते हैं आपके दिमाग में कि आप अपने आप को बहुत कम समझने लग जाते हो। आप ये सोचते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ये सोचते हो कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। इसका मतलब है आप डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर डिप्रेशन भरा हुआ है, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं। तो इसे भगाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इसके कॉज को समझना। अब देखिए, डिप्रेशन जो है इसका पर्टिकुलरली कोई कॉज नहीं होता है। जैसे कि ये जो डिप्रेशन है ये सेल्फ परपेटुएटिंग होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वो कॉलोनीज सेल्फ परपिटुएटिंग थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। मतलब कि जो कॉलोनीज थी वो कॉज भी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और वो इफेक्ट भी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब ये किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो कॉलोनीज थी वहाँ से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल्स है वो सस्ते दामों पर लेके जाते थे अपने देश, और वहाँ पर वो क्या करते थे, वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया। वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज बनाई थी उसमें ये जो रॉ मटेरियल्स वो सस्ते दामों में ले रहे हैं उससे वो फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। अब वो जो फिनिश प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो कहाँ बेचते थे, तो जहाँ उनकी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर महंगे दामों पर वो बेचा करते थे। इसका मतलब ये है कि जो कॉलोनीज़ है वो इफ़ेक्ट और कॉज दोनों थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब डिप्रेशन का भी इसी तरीके से होता है। मतलब कि जब आपके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तब आप डिप्रेस फील करने लग जाते हो, और जब आप डिप्रेस फील करने लग जाते हो तो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप उस तरीके से काम कर सको कि आपके मन के मुताबिक रिजल्ट आप ला सको। तो ये एक लूप बन जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सैडनेस को डिप्रेशन से इक्वेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सैड है तो वो डिप्रेस्ड है, पर ऐसा नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स थे इस साल जिन्हें ये पता था कि उनका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आया तो वो सैड फील कर रहे थे। अब वो क्या था, वो सैडनेस थी, वो सैड फील कर रहे थे, वो डिप्रेस नहीं थे। लेकिन बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सैड थे लेकिन वो अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे थे कि नहीं, अब तो मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ या चली गई हूँ, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं ये एग्ज़ाम के लायक ही नहीं हूँ। तो इस तरीके के थॉट जो है वो आ रहे थे। और सैडनेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ हमारे थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब हम सैडनेस को थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर रोकनी होती है। और ये जो यूपीएससी है ये आपके डिप्रेशन का कारण नहीं है। नहीं तो अगर आप ये सोचो कि यूपीएससी में क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो तो जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं वो तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इसे सुसाइड का भी एक रीज़न बना देते हैं। जैसे कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है यूपीएससी की वजह से। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको विंटर सीज़न पसंद है तो आप समर सीज़न आते ही आप सुसाइड कर लेते हो कि नहीं ये तो मेरे मन के मुताबिक सीज़न नहीं है, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? नहीं करते हो आप, आपके फेवरेट सीज़न के आने का इंतज़ार करते हो। अगर आपको विंटर पसंद है तो विंटर का इंतज़ार करते हो, रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न का इंतज़ार करते हो। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, वो समर सीज़न के आने का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें छुट्टियाँ लगे और वो एंजॉय कर सके। मतलब हम क्या करते हैं, हम हमारे अच्छे वक्त के आने का इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप अच्छे से देखिए, थोड़ा डीप में जाएंगे हम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो सीज़न होते हैं वो सबके लिए यूनिवर्सल होते हैं। मतलब यहाँ हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमारा सीज़न जो है ये विंटर है, हमारा सीज़न जो है ये समर है। सबके लिए समर है तो समर ही है, सबके लिए विंटर है तो विंटर ही है। तब हमारे पास ये शक्ति होती है कि हम जो एक टफ़ टाइम होता है, समर सीज़न अगर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तो जो टफ़ टाइम होता है वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि सब फेस कर रहे हैं। लेकिन वही जब यूपीएससी आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जो हम ट्राई कर रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें सिर्फ हम इंडिविजुअली हम दिखाई देते हैं कि यहाँ पूरी दुनिया मुझे देख रही है और मैं फेल हुआ हूँ।
पूरी दुनिया मुझे देख रही है कि मैं यहाँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर ये जो सुसाइड का ख्याल आता है इस तरीके से आता है, मतलब सुसाइड जो है ये बेसिकली आता है जब आप दिखाने की कोशिश करते हो और आप दिखा नहीं पाते हो या फिर आप उस चीज़ में फेल हो जाते हो, तब जाकर इस तरीके के थॉट, इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आती है, इस तरीके की निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती है। नहीं तो फिर सिर्फ ये अगर रीज़न होता कि आपके अगर मन के मुताबिक नहीं हो रहा है तो मुझे सुसाइड करना है, तो फिर तो सीज़न जब आपके मन के मुताबिक नहीं हो तब भी आपने सुसाइड करना चाहिए था, तब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल तरीके से फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप इंडिविजुअली आप अकेले फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है फेल होते हुए, इसलिए आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो। लेकिन जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हो आपके फेवरेट सीज़न के आने का, आपके फेवरेट वक्त के आने का, उस तरीके से आप यहाँ भी तो वेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ इंतज़ार करते हो कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं जो है और थोड़ा इंतज़ार करना है, अभी मुझे और थोड़ा अपने आप को देखना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि आपका जो दिमाग में थॉट आया है फट से निकल जाए। आपकी जो निगेटिव एनर्जीज होती है सिर्फ यही एक चीज़ होती है कि आपको इस तरीके की चीज़ें करने लगाती है। ये जो निगेटिव एनर्जीज होती है इस पर आपका अगर कंट्रोल आ जाए, और कंट्रोल इस तरीके से नहीं करना है कि नहीं मुझे निगेटिव एनर्जीज नहीं लानी है, मुझे निगेटिव एनर्जीज बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जितना आप ये सोचोगे कि निगेटिव एनर्जीज मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी जो आपके दिमाग में आएगी। इसके बदले में आपको बैठना है, आपको ये बोलना है कि निगेटिव एनर्जी जितनी आना है आ जा, जितनी मेरे दिमाग में निगेटिव एनर्जीज भरना है भर जा, लेकिन इसके बाद सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, इसके बाद सिर्फ पॉजिटिविटी आने वाली है। इस तरीके से अगर आप सोचने लग जाओ तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती है। और अगर आप इस तरीके से अगर सोचोगे तो निगेटिव एनर्जीज जो है ये अपने आप चली जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आप जितनी रोकने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी से वो आएगी, इसलिए उसे आने दो। जितनी इंटेंसिटी से आ रही है उतने उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से उसे बुलाओ कि आ जा, निगेटिव एनर्जीज आनी है, निगेटिव थॉट्स आने हैं, आ जा, लेकिन इसके बाद सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए जगह रहेगी। इस तरीके से आप सोच के देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो थॉट्स है वो बदल जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस एक दिन का इंतज़ार करना है, वो एक दिन जब आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, और वो एक दिन आज नहीं आया है तो कल आएगा, कल नहीं आया है तो परसों आएगा, और अगर नहीं भी आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या एक IAS का टैग आपकी खुशी डिफाइन कर सकता है? क्या एक गवर्नमेंट जॉब आपकी खुशी डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये जो चीज़ होती है, जो एक टाइम पीरियड मिला है आपको, इसमें आप कितना कुछ सीख सकते हो आप सोचिए। मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो इसके बीच जो ये आपको एक डिप्रेशन का, लो फील करने का, फिर हैप्पीनेस का, ये जो चीज़ें आ रही है इससे आप कितना कुछ सीख सकते हो। यही एक टाइम पीरियड है जहां आप सीख सकते हो कि आपके निगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। यही एक टाइम पीरियड है जहां पर आपको ये जो एग्ज़ाम है ये सिखा सकती है कि आपको निगेटिविटी को किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब आप क्लियर हो जाओगे उसके बाद आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद आप ये सब सीख नहीं पाओगे, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वहाँ आपको फटाफट ऐसी चीज़ें आएगी जहाँ पर आपके आजू बाजू में निगेटिव लोग रहेंगे, आजू बाजू में निगेटिव एनर्जीज रहेगी, उसमें से निकल कर आपको लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें करनी है। तो ये सब अगर आप यहाँ बियर नहीं कर सक रहे तो वहाँ कैसे बियर करोगे? यही चीज़ें सीखने की, पॉजिटिव तरीके से लीजिए इसे, सीखिए इस चीज़ में किस तरीके से निगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिप्रेशन को मोटिवेशन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, सोचिए। अब आपको मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जो वीडियोस होते हैं उस पर एक दो लोग ऐसे हैं जो वीडियो आते ही डिसलाइक कर देते हैं। मतलब वीडियो होती है 15 मिनट की लेकिन वीडियो अपलोड होते ही डिसलाइक हो जाता है। मतलब उनसे, उनको वीडियो से कोई लेने देना नहीं है, उनको इंसान पसंद नहीं आया उसलिए डिसलाइक करते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अब्यूसिव कमेंट करते हैं। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि यार अब ये लोग मेरे पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो गालियाँ दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, तो मैं वहीं के वहीं पर रुक जाऊँगा। लेकिन ये जो लोग हैं ये लोग मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो अब्यूसिव कमेंट कर रहे हैं, ये जो डिसलाइक कर रहे हैं बिना वीडियो देखे, अगर एक बार इन्होंने वीडियो देख लिया पूरा तो हो सकता है कि वो लाइक करना शुरू कर दे, हो सकता है कि वो अब्यूसिव कमेंट जो है वो ना करे। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसे जो निगेटिविटी होती है, ये जो निगेटिव थॉट्स होते हैं ये लोगों के, ये भी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाए। ये भी लोग इस तरीके से सोचे कि ये जो निगेटिव थॉट्स हैं उन्हें ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि जितने भी अब्यूसिव कमेंट वो करेंगे मुझे तो फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि अब्यूसिव अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज़म हो रहा है तो मैं उसे वेलकम करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज़म होता है तो।
लेकिन अगर इस तरीके से अब्यूजिव क्रिटिसिज्म होगा, अब्यूजिव मैसेजेस आएंगे, अब्यूजिव कमेंट्स आएंगे, तो वो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए नुकसान किसका हो रहा है, जो निगेटिव थाट है वो किसके अंदर में आ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के अंदर में आ रहे हैं, तो उनका ही नुकसान होता है। तो इस तरीके से अपना खुद का नुकसान क्यों करा लेना। तो इनके लिए भी मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने भी ये जो निगेटिव चीज़ें हैं, ये जो निगेटिव फालतू की चीज़ें हैं, ये सबसे बाहर निकल कर एक मैच्योर्ड इंसान की तरह सोच कर ये जो चीज़ है जिसके लिए वो पढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो स्ट्राइव कर रहे हैं, जिसके लिए वो इतना पैसा लगा रहे हैं, जिसके लिए इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, ये सब का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और उनके अंदर भी जो पॉजिटिविटी वो इस तरीके से आनी चाहिए कि वो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब छोड़कर एक अच्छी तरीके से एक जो अच्छे सिटीज़न होते हैं उसके तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो देखें, जो भी कमेंट्स हैं वो करें। तो इसलिए इससे आप देख सकते हो कि जो थॉट्स होते हैं जो सामने वाला बोलता है वो किस तरीके से हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप भी इसी तरीके से रहिए। तो जिस तरीके से आप आपके फेवरेट सीज़न के आने का इंतज़ार करते हो, उसी तरीके से आप आपके अच्छे वक्त के आने का भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आप कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हो जो पलट के फिर से नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फोकस्ड रहिए। और ये जो निगेटिविटी होती है इससे लड़ने का यही एक मौका है, ये एक चैलेंज की तरह लीजिए कि जो निगेटिव थॉट्स होते हैं इससे लड़ने का यही एक टाइम पीरियड मिला है आपको, इसके बाद नहीं मिलने वाला। तो ये जो जितने भी साल आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो यही चीज़ में आप सीख सकते हो कि निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।